I'm not afraid of the dark.
राजवीर और रामवीर और ओमवीर ना, आप ये तीनों भैया इधर आ जाओ। और ओमवीर प्रभु जी कहाँ है, कहाँ है ओम जी? इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। हरे कृष्णा। हाँ देखो, आज इधर सामने 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। हरे कृष्णा। देखो ये तीनों भैया, और इनका बड़ा भैया का नाम क्या था? हाँ, श्री उदय वीर और इनके परिवार। इन लोगों ने ये श्रीमद् भागवत कथा को अपना दिल से, हैं, तन मन और धन से, इन लोगों ने हर तरह से मेरे साथ में बड़े दिनों से बोल रहे थे, बाबा जल्दी कथा कराओ, जल्दी कथा कराओ। मैंने कहा मेरे पास समय होगा तो मैं समय निकालूंगा। फिर मैंने समय निकाला और इन लोगों ने, इनकी पूर्वजों का कल्याण हो, पूर्वजों को शांति मिले, इनकी परिवार को शांति मिले, इनकी गृह में शांति और सुख हो, इसलिए इन लोगों ने ये भागवत कथा को बड़ी बड़ा चढ़ा करके हर तरह से, कोई जिसने दिल खोल करके प्रसाद वितरण करना और बैंड लोगों सजाना, रोज प्रसाद खिलाना अपना हाथों से, हमें बड़े जतन पूर्वक इन लोगों ने, हैं, चार ही भाइयों ने, परिवार लोगों ने हर तरह से किया है। ये भागवत कथा ये कलयुग में सबसे ज्यादा पुण्य है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुनाए, स्वयं लोग वृंदावन से रथ आया और परीक्षित महाराज बैठे और उन्होंने भूर भूव लोग पार करते हुए बैठे, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा। कथा में इतने शक्ति सिद्धा गोलोक वृंदावन, उनने के तराजू ला करके नापा, नापा तो देखा जिस तरफ में भागवत कथा रखे थे वो तो पत्थर के पत्थर जैसे जमे रहे, दूसरे तरफ में जितने पुण्य सब हल्का हो गया। बोले भैया ये भागवत कथा जैसे इसका पुण्य जगत में कुछ नहीं। ये धुंधुकारी को जब गया में पिंड दी तभी उसको मुक्ति नहीं मिली। बोले मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मुक्ति कहाँ मिली? जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाया, मतलब भागवत कथा से साक्षात भगवत प्राप्ति और ये जन्म मृत्यु का चर इससे निकल जाता है जीव के सब के सब। इसलिए ये तीनों भाइयों ने मिलकर के बड़े अच्छे तरह से, और चार भाई सब परिवार मिलकर के बहुत अच्छे तरह से उन्होंने ये भागवत कथा रखाया। वो प्रभु जी का नाम क्या, उनका छोटा बेटे का, बड़े भाई का, छोटा बेटे का नाम क्या? वो इधर आ जाओ, सुमित आप इधर आ जाओ। एक फूल की माला है, देखो तो एक फूल की माला दे दो, देखो ये बड़ा माला दे दो। हाँ, इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये माला, भगवान इनके परिवार को बने, भगवान खूब कृपा करे और ये खूब फलते फूलते रहे और जीवन में शांति और सुख मिले। इसलिए आप लोग जोर से ताली बजा करके इनके परिवार को बने आशीर्वाद दो।
ये जगत में खुशी रहे। और देखो ये लोग है ना, इनका जो परिवार, जब मैं कुछ दिन पहले यह कथा की थी, मेरे को घर में लाए थे, इनका परिवार लोग ना एक संतों से जुड़े हुए थे, हैं अच्छे संत से, जिन्होंने इनको अच्छी अच्छी मार्ग बताए। जब वह संत चल गए, फिर धीरे 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 इन लोगों ने भक्ति धीरे धीरे कम होती आई। जब मुझे यहाँ पर रूबी बैठी हुई, हाँ रूबी कहाँ खड़ी हो जाओ, फिर इसने, ये हमारी शिष्य है, मैंने ग्रेटर नोएडा में मैंने कथा की थी और वहाँ पर उसने कथा सुनी। कथा सुनकर मैंने जब यहाँ कथा की, फिर इन्होंने अपना पिताजी के परिवार को बुला करके बोले हमारे महाराज जी आए, चलो वहाँ पर कथा सुनने के लिए। फिर इन लोगों ने कथा सुनी, सुन करके बोले हम भी ये कथा करवाना चाहते हैं। फिर इन लोगों ने बहुत अच्छे तरह से कथा करवाए, इसलिए हम भी ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करते हैं, ठाकुर की सब परिवार ऊपर में खूब कृपा बरसाते रहे। और इनका जितने परिवार है ना, ये भाइयों का जो बेटा बेटी, मैं सवेरे अलग क्लास देता हूँ, सबके सब आ जाते हैं, मंगल आरती में आते हैं, बैठ कर कथा सुनते हैं, माला जप करते हैं, तिलक लगाते हैं सबके सब। आज सबके सब गले में कंठी लिए और बोले आज से हम और कोई प्याज लहसुन तक भी नहीं खाएंगे, और कोई गंदी चीज तक खाएंगे नहीं, और यहाँ तक भी प्याज लहसुन तक भी नहीं खाएंगे, और हम सबके सब ठाकुर जी को भोग लगा करके हम प्रसाद पाएंगे। हैं इन लोगों को मैं जैसे जैसे बोला है ना, इन लोगों ने सबके सब स्वीकार कर लिया। इसलिए आप लोग भी धीरे 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 अच्छे भक्ति करो। आप भक्ति करोगे बच्चों को ऊपर में अच्छी संस्कार पड़ेगी। नहीं तो आपको पता होगा, मेरे से ज़्यादा पता होगा, बच्चे बाहर अगर गए ना, वो क्या क्या करते 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 आपको कुछ बताएंगे, ये क्या करते हुए आपको पता नहीं। और शराब पीना, जुआ खेलना, सिगरेट फूंकना, तो कोई ये तो साधारण सी बात हो गई। बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं बच्चे हैं, इसलिए हम चाहते हैं अगर आप लोग भक्ति भजन करोगे, बच्चे कभी गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, सद मार्ग पर रहेंगे, पिता माता की सेवा करेंगे। और जिस घर में प्रभु का भजन पूजा होना, वो घर नहीं वो गोलोक वृंदावन वैकुंठ हो जाता है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ आप लोग स्वयं भजन करें, बच्चों को सदमार्ग पर चलाओ, बच्चे लोग सही मार्ग में रहे और सबके सब भजन करे, आपका हर घर घर गोलोक वृंदावन बन जाए। ठीक है, इसलिए आपका हर घर घर गोलोक वृंदावन बन जाए। ठीक है, आप लोग जाओ, प्रभु जी आप जाओ, इनके लिए जोर से ताली बजाओ। हाँ, जो इसी तरह में हमारे इनकी पूरा परिवार जितने बहू है ना, इनकी घर बहुत अच्छी है, बड़ी संस्कारी है इनकी बहू का घर में। ये लोग भी हर तरह से ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति है, इनकी बहू, इनकी सास, इनकी सब अच्छे तरह से बहुत भक्ति की है। और इन कथा में हमारे कहाँ गए, हमारे जो प्रभु लोग ने बड़ी सेवा की है, हमारे श्री मनमोहन प्रभु बड़ा सुंदर मृदंग बजाए, हमारे श्री संजीत प्रभु जी बड़े सुंदर पेड़ बजाए, और श्याम सुंदर प्रभु जी बड़े सुंदर उन्होंने क्यासी बजाए। अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। ठीक है, देखो, और हमारे माइक वाले भैया बड़ा सुंदर माइक, अगर ये नहीं होते तो हम कथा कैसे सुनाते, इसलिए इनके लिए भी ताली बजाओ। और हमारे जो रसोई बनाए भैया, उनको भी ठाकुर जी आशीर्वाद करें। और देखो उसमें सबसे ज्यादा जो जो प्रशंसा की पात्र है, आप लोगों जो कथा सुनने के लिए आए, अगर मैं भी आ जाता ये म्यूजिक फ्यूजिक सारा दुनिया भी आ जाते, अगर आप लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते है ना, फिर कथा क्या हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। इसलिए सबसे ज्यादा अगर सुखदेव परीक्षित महाराज नहीं होते है ना, फिर सुखदेव कथा किसको सुनाते, कथा ही नहीं सुना सकते थे। इसलिए सबसे ज्यादा जो कथा की जो भाग्यदारी है, श्री परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज मतलब आप लोग जो कथा सुनते हो, आप लोगों ने बड़े उत्साह पूर्वक आए, टीवी की आनंद छोड़ करके, घर की आनंद छोड़ करके, दो दो तीन तीन चार चार घंटा यहाँ पर आप लोग बैठे हैं। इसलिए आप सभी के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी आप सबको ऊपर में ठाकुर जी आशीर्वाद करें, आप लोग खूब संसार में फलते फूलते रहो और संसार में आप लोग खूब खुशी रहो। आप लोगों के लिए जोर से ताली बजाओ। हाँ, हरे कृष्णा। देखो अभी मुझे भी तो कुछ देनी चाहिए ना, मैं 7 दिन तक कथा सुनाया, इसलिए आप लोग मेरे को भी आशीर्वाद दो। ठीक है, हृदय से ऐसे नहीं ताली बजा दिया खत्म कर दिया, इसलिए मेरे को भी हृदय से आशीर्वाद दो
जैसे मैं साधु गुरु वैष्णव की सेवा कर सकूं और आप लोगों को मैं सेवा कर पाऊं, मेरे को आप सब ये आशीर्वाद देना और सारा जीवन ये भक्ति पथ में रह करके हाँ साधु संत आप सबको मैं सेवा करूँ, मेरे को हृदय से यही आशीर्वाद देना। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो हमारे बीच में, देखो मैं तो कथा सुना कर चला जाऊंगा, मैं तो कथा सुना कर चला जाऊंगा, लेकिन हम चाहते हैं जैसे कि पौधा एक गमला में कोई पौधा लगाया, जब तक उसमें पानी दोगे ना तब तक वो पनपना तो ये बढ़ेगी, अगर हम पानी नहीं देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो सूख जाएगी, है ना। इसलिए हम चाहते हैं, हाँ खड़े हो जाओ बीबी, हम चाहते हैं मेरे बाद में ये जो प्रभु जी है ये फरीदाबाद में रहते हैं, ये इंजीनियर कंप्यूटर इंजीनियर है, ये नौकरी अच्छी नौकरी करते हैं, इनकी अच्छी तनख्वाह है, लेकिन उन्होंने जिंदगी में शादी नहीं की, गुरु वैष्णव सेवा के लिए उन्होंने शादी नहीं की और संपूर्ण जीवन को गुरु वैष्णव को सेवा में उन्होंने लगाया। मैं इनको पर भी यहाँ का दायित्व दे करके जाऊँगा, ये हर एक सप्ताह में हो नहीं तो 15 दिन में हो एक बार ये यहाँ पर आएंगी और आप सबके सब एक बार इकट्ठे होना। ठीक है, ये आपको बीच बीच में कथा सुनाते हुए जाएगी, ये कथा ही मानो पौधा में पानी है, पानी दोगे तो फिर तो बढ़ेगी नहीं तो कहाँ बढ़ेगी, बढ़ नहीं पाएगी। मैंने जो माला आप कुछ लोगों को दे कर गया, तब तक ये माला जब करोगे तब जब तक ये कथा सुनोगे, इसलिए हम इनको यहाँ की दायित्व दे करके जाऊँगा। ये एक जगह पर नहीं, ये बहुत सारे एक सप्ताह में ये अलग अलग जगह पर जाकर ये क्लास देते हैं, इसलिए यहाँ पर भी आकर के आपका घर में आप लोग इनको साथ में यहाँ जो रहते हो आप फोन से बात करते रहना और एक कापी लाओ, एक कागज और एक पेन ला कर रखो, इसलिए यहाँ पर आपका परिवार तो है ही है और जो व्यक्ति यहाँ का आस पास में हो और धीरे धीरे अपना भक्ति को बढ़ाना चाहते हो आप लोग भी आना। ये प्रभु जी आ करके बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी कथा सुनाते जाएंगे, आगे की बात बताएंगे, कैसे भजन करोगे, भक्ति कैसे बढ़ेगी, हैं ये आपको सुनाते रहेंगे। अभी प्रभु जी आपको 5-10 मिनट की थोड़ी सी आपको कथा सुनाएंगे प्रभु जी, फिर इसके बाद रुक्मिणी विवाह होगी, फिर सुदामा चरित्र, फिर आप सब प्रसाद लेके जाना। और कल है, सुना कल है यहाँ पर भंडारा है, कितना बजे भंडारा होगी माता जी?